नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल में। साल 2019 का अंतिम PPV टेबल चेयर्स और लेडर्स पेपरव्यू यानी कि TLC था और नए साल की शुरुआत रॉयल रंबल 2020 से होगी। तो अब लोगों का पूरा ध्यान इस पेपरव्यू पर फोकस हो चुका है क्योंकि यहीं से रोड टू रेसलमेनिया की शुरुआत होती है और रॉयल रंबल का विनर पूरे साल WWE पर छाया रहता है। ऐसे में हर किसी सुपरस्टार का सपना होता है कि वह इस इवेंट को अपने नाम करें। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन हो सकता है रॉयल रंबल 2020 का विनर, और साथ ही हम बात करेंगे कि रॉयल रंबल में ब्रोक लेसनर का प्रतिद्वंदी भी कौन हो सकता है। पहले बात कर लेते हैं ब्रोक लेसनर और उनके प्रतिद्वंदी को लेकर। फिलहाल तो रॉयल रंबल के लिए कोई मैच कार्ड तैयार नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्टों की माने तो ब्रोक लेसनर के संभावित प्रतिद्वंदी का नाम सामने आ चुका है। रॉयल रंबल में ब्रोक लेसनर का प्रतिद्वंदी कोई और नहीं बल्कि पूर्व UFC हैवीवेट चैंपियन केन वेलास्केज होंगे। इससे पहले इन दोनों का आमना सामना WWE के ही एक इवेंट क्राउन ज्वेल्स में हुआ था, जहां पर यह मैच अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया क्योंकि यह मैच काफ़ी छोटा था। लेकिन इस बार फैंस देखना चाहेंगे कि एक बेहतरीन मैच देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं रॉयल रंबल 2020 के विनर को लेकर। तो इस साल का रॉयल रंबल सेथ रॉलिंस ने जीता और पूरे साल WWE के हेडलाइंस बने रहे। ऐसे में इस बार के रॉयल रंबल के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे तगड़ा दावेदार रोमन रेंस हैं और उनके लिए ये रॉयल रंबल जीतने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा है। इस पूरे साल रोमन रेंस किसी भी बड़ी चैंपियनशिप के लिए दावेदारी पेश नहीं कर पाए, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगले साल भी वे ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं। तो रोमन रेंस को एक बार फिर से किसी बड़ी चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन में डालने के लिए उनका रॉयल रंबल विनर बनना जरूरी है, और यहाँ पर रॉयल रंबल जीतकर वे रेसलमेनिया में किसी बड़ी चैंपियनशिप के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। पहले इस लिस्ट में CM पंक के नाम की रूमर्स भी थे, लेकिन हाल ही की रिपोर्टों में साफ हो गया कि CM पंक यहाँ पर विनर नहीं बनेंगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।